एक दफा आराश का एक शख्स कुछ ऊंट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने उसके ऊंट खरीद लिए और जब उसने कीमत तलब की तो टाल मटोल करने लगा। आराशी ने तंग आकर एक रोज हरम काबा में कुरैश के सरदारों को जा पकड़ा और मजमाए आम में फरियाद शुरू कर दी। दूसरी तरह हरम के एक गोशे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सरदाराने कुरैश ने उस शख्स से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, देखो वो साहब जो उस कोने में बैठे हैं उनसे जाकर कहो, वो तुमको तुम्हारे रुपये दिलवा देंगे। आराशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और कुरैश के सरदारान ने आपस में कहा, आज लुत्फ आएगा। आराशी ने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अबू जहल के मकान की तरफ रवाना हुए। सरदारों ने पीछे एक आदमी लगा दिया कि कुछ गुजरे उसकी खबर ला कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और कुंडी खटखटाई। उसने पूछा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद। वो हैरान होकर निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इस शख्स का हक अदा करे। उसने कोई चूं चरा न की, सीधा अंदर गया और उसके ऊंटों की कीमत लाकर उसके हाथ में दे दी। कुरैश का मुखबिर ये हाल देखकर हरम की तरफ दौड़ा और सरदारों को सारा माजरा सुनाया और कहने लगा कि वल्लाह आज वो अजीब मामला देखा है जो कभी ना देखा था। अबू जहल जब निकला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उसका रंग उफुक हो गया और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दे तो ये मालूम होता था कि जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है।